पार्वती पते हर हर महादेव, शंभो शिव शंकर हर हर महादेव, गिरजा पते हर हर महादेव, महादेव शिव शंभो। पापा का रूप है तो रात भर नाचना दिन भर है सोना, यही मेरी दुनिया। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए। रोज रोज मच्छी का सालन पूरे घर में है, मैं की ये खुशी। गुड मॉर्निंग पापा, मेरा टिफिन रेडी है क्या? रेडी। अरे भाई कल रात को बहुत जाग लिए ना, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली। पापा कल रात का सालन है तेरे लिए। देख कल रात का सालन तेरे लिए बचा के रखा है। पापा ये कल का है क्या? मैं जो गाना गा रहा था। अरे मैं गाने की बात नहीं कर रहा हूँ। गोल्ड इज गोल्ड, मच्छी का सालन बासी अच्छा लगता है। तुझे पता है मेरी दादी ने एक बार दो दिन बासी मच्छी का सालन मुझे खिला दिया था। ऐसा टेस्ट था कि मुंह में अभी तक पानी है। ये ले इडली के साथ खा। और ले और ले। पापा मुझे नहीं चाहिए। पापा प्लीज खा लो बेटा। मुझे नहीं चाहिए पापा। बैठो बैठो, बहुत दिन हो गए हमने बैठ के आराम से बातचीत नहीं की है, आज कर सकते हैं? फिर से शुरू हो गए। अरे बाबा तेरे कॉलेज में क्या हो रहा है तू मुझे बता दे, मेरे होटल में क्या हो रहा है ये मैं तुझे बताता हूँ। चलो शुरू करो। कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा लेकिन होटल में क्या हो रहा है ये मैं तुझे बताता हूँ। कल होटल में एक लड़का आया था, पूरा पागल था। पापा प्लीज मेरे लिए एक डोसा बना दो ना। डोसा खाना है बेटा? हाँ ठीक है, तू यहीं बैठ, मैं डोसा बना के लाता हूँ। हाँ बैठे रहना। अभी बन जाता है डोसा। अरे पता है कल फ्लाइट लेट थी, फ्लाइट लेट हो गई, फिर मछली भी आने में लेट हो गया। कस्टमर कर रहे चिल्ला चिल्ली, फिर क्या था तो दे दी, तो उनमें से एक चीनी चिल्लाने लगा, बाप रे बाप, ऐसी मुसीबत आई, गले में कांटा फंस गया था। उसकी बीवी परेशान हो गई, कहने लगी प्लीज कॉल द डॉक्टर, सेव माय हस्बैंड। पता है अरे बेटा बेटा, अरे बेटा अरे कहाँ चला गया बेटा, अरे रुक तो, अरे डोसा बन गया बेटा, अरे रुक जा खा के तो जा बेटा, अरे चुक चुक बेटा। भाई साहब कोई नौकर क्यों नहीं रख लेते? अरे नौकर रखा तो भाभी बाप बेटे के बीच दरार आ जाएगी। और शादी हो गई तो? शादी होने दो ना, बेटे के साथ बहू को भी संभाल लूंगा। बच्चे के बच्चे हुए तो? अरे होने दो, चार चार बच्चे हो जाए तो भी संभालूंगा। अरे भाई अपने पे भी जरा ध्यान दो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कौन संभालेगा? आपकी मूल्यवान सलाह का धन्यवाद। I'm very sure that you all have heard about law. What kind of law do you know? It is not that only this department has to know about law. Every country in the world, according to the rights of the people. Excuse me. Sure. Idiots. Stupids. Don't you have any sense? Who did the car race yesterday? With the KL college students, पुलिस की तरफ से हमें वार्निंग आई है, इसी क्लास में से है वो, बेहतर होगा खुद ही बता दे। और I'm suspending the whole class. जा जा और मत देख सामने। Come on. I know madam. इसको भी अभी आना था। Come here. कार्तिक तू तो गया काम से। Who is the culprit? वो रहा मैडम। नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। वही ग्रे शर्ट में। ए, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या? देखो मर गए। वीडियो देखो। झूठ बोल रहा है। देखिए मैडम ये रहा सबूत। कार्तिक तू तो गया काम से, अब तेरा क्या होगा? जय जय राम की जय जय। हमारे जमाने में रामायण महाभारत पढ़ाते थे इस उम्र में, और आजकल के बच्चे, हे भगवान। Get up, Kartik. Yes, ma'am, मैंने ही किया था, पर उसका एक रीजन है। वो क्या? इंडिया के दो महान ग्रंथ है, एक रामायण और दूसरा महाभारत, और दोनों ग्रंथों का कारण लड़कियों की इज्जत से जुड़ा था। अब हमारे कॉलेज की लड़कियों की केएल कॉलेज से अनबन हुई, जिसकी वजह से मुझे कार रेस करनी पड़ी। मेरे रहते हुए हमारे कॉलेज की लड़कियों की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। इज्जत का सवाल था मैडम, इज्जत का।
थैंक यू बड़ा आया इज्जत बचाने वाला। थैंक यू जैनी मैडम। महाभारत में कृष्ण थे और यहाँ पर मैं। बात खत्म। वेरी गुड महाशय। थैंक यू। यू आर सस्पेंडेड फॉर 1 वीक। क्यों बेटा? फॉर्मूला तो फ्लॉप हो गया। फ्लॉप और मैं, देखते हैं। थैंक यू मैम। फॉर व्हाट? नहीं मतलब ये सब किस लड़की की वजह से हुआ ये जाने बिना आपने मुझे पनिश कर दिया, उसके लिए थैंक यू। हु इज शी? और कौन हो सकता है मैम? ये पवित्रा। पवित्रा मैम, इज दिस ट्रू? यस मैम, बट इट्स नॉट माय फॉल्ट। द बोथ ऑफ यू सस्पेंडेड फॉर 1 वीक। गेट लॉस्ट मैम। यस कार्तिकेय, नमो नमः। नमस्कार सर, अभी खाने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम यहाँ पर खाना खाने नहीं, किसी को पकड़ने के लिए आए। किसको सर? हाँ, वो। सर, ग्राहक भगवान समान होता है, उसे यहाँ अरेस्ट करेंगे तो धंधे पे बुरा असर पड़ेगा। उसका खाना खाना हो जाए फिर आप बाहर अरेस्ट कर लीजिए। ठीक है, बाहर वेट करते हैं। ए बच्चा, इधर आ। क्या बात है मालिक? वो पिंक शर्ट वाला खाना खा रहा है ना, जैसे उसका खाना हो जाए उसे ये फेस बल्ब दे देना। चल जा जल्दी। देखकर उसको देना है। चुप चुप चुप, जो बोला है कर। जा जा जल्दी। पुलिस यहाँ पर क्यों आई? बल्ब लेके आया हूँ, खाने के बाद हम सबको देते हैं। बल्ब दे दिया तुमने, बहुत जल्दी में हो तुम। हाँ अभी आया सर। क्या पता सर ये सब क्या है? मेरे लिए इतनी सिक्योरिटी? देखो मैं आपके होटल में खाना खाने के लिए आया हूँ, खाने दो मुझको, भगाओ उनको, जाओ। हमें लगा आपको कुछ और चाहिए होगा सर। सुनो, आगे से ऐसा हुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं। माला दीदी, क्या चल रहा था यहाँ? वो क्या ना दीदी, यहाँ पर मैं खाना खाने के लिए आया था, खाना खा के तो हो गया, अब चलता हूँ। एक कॉफी। कारीगर नहीं है? कारीगर है मैडम। मालिक ने ऑर्डर लिया, इनको आज हुआ था। नमस्ते सर। आजा, तेरा इंतजार था। लेकर जा रहे हो सर खाने? ये बच्चा, कॉफी तैयार हो गई? मैडम को दे। मैम कॉफी। वंडरफुल। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी कॉफी कभी नहीं पी थी। कॉफी किसने बनाई है? सुना मालिक? हाँ मैम बुला रही है। हाँ आया। मैम इन्होंने ही बनाया। नमस्कार। नाम क्या है? कुंभकोणम स्ट्रॉन्ग कॉफी मैडम। मैंने आपका नाम पूछा। मधुसूदन मैडम। गुड मिस्टर मधुसूदन। बहुत-बहुत थैंक्स मैम। इस कॉफी से आपने मुझे इंप्रेस कर दिया। अब आपकी इस कॉफी से मैं सबको इंप्रेस कर सकती हूँ। आज के बाद जब भी मैं यहाँ हूँ मुझे हमेशा ऐसी ही कॉफी मिलनी चाहिए। ओके मैडम। और आपकी ये कॉफी टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। थैंक यू मैडम। ये लीजिए पैसे। मैम ये मालिक है, मैं नौकर हूँ। थैंक यू। ओह, आप इस रेस्टोरेंट के ओनर हैं? हाँ जी। आपको देख के लगता नहीं है। आई वंडर अबाउट यू। ओके, सी यू। जी आइए। मिस्टर मधुसूदन। जी जी मैडम। जी मैडम। आई लाइक यू। अब तो मालिक की लॉटरी लग गई।